अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिस्टर निज़ाम ऑर्बिट चैनल। मैं आपका दोस्त मोहम्मद निज़ामुद्दीन जुनेद। ये मुकाम देख के आप समझ गए होंगे कहाँ हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शूट पे आया था मेट्रो रियल इस्टेट हैदराबाद की, तो खालिद भाई से मुलाकात हो गई भाई। तो इधर आया तो खालिद भाई काम कर रहे थे, जो शिफ्टिंग चल रही है भाई की। अभी देखिए खालिद गुड फॉर्म पे जो शिफ्ट हो रहा है, खालिद गुड फॉर्म उस पर कुछ सामान है जो अल्हम्दुलिल्लाह अकरम डेयरी फार्म पे भी देखे होंगे आप उमर भाई के चैनल पे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बिक गया, थोड़ा बहुत बचा हुआ है भाई। तो खालिद भाई से बात करते हैं और मज़ीद डिटेल लेते हैं। खालिद भाई आजकल फ्री है तो अपना कीमती वक्त कहाँ देंगे खालिद भाई, वो भी पूछेंगे। तो खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निज़ाम भाई जी, कैसी है मिजाज आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो खालिद भाई अभी जी भाई, तो जैसा भाई आप लोग मालूम है ये बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए खालिद भाई यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं जी भाई। तो खालिद भाई अभी क्या है सामान जो आपने निकालना है? पहले आप उमर भाई का शुक्रिया अदा करेंगे, बोले काफ़ी सामान भाई के चैनल पे डला था हमारे अकरम डेयरी फार्म पे जी भाई। तो क्या बोलेंगे खालिद भाई उमर भाई के बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई, माशाल्लाह आपकी बदौलत जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सामान सेल हो गया मेरा, जो मेरे को बहुत बड़ी मुसीबत थी जाना शिफ्ट करना दूसरी जगह सेट होना, इतनी बड़ी जगह नहीं मिली मेरे को, तो उस हिसाब से अभी प्रेजेंट तो छोटी जगह है जी। इंशाल्लाह बाद में अपडेट देंगे। तो काफ़ी सामान था अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए उमर भाई का चैनल मैं समझता हूँ माशाल्लाह काफ़ी लोगों के काम में आ रहा है, एक प्रोफेशन तो है भाई का, फीस लेते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए फीस देने के बाद भी काम बन जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जी उमर भाई का। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई का ने काफ़ी लगेज था जो वहाँ शिफ्ट करना मुश्किल था, नई जगह पे जगह छोटी है लेकिन काफ़ी बिक गया। अभी मैं इधर मुलाकात पे आया था, जैसा मैं जा रहा था इधर से तो खालिद भाई की याद आई, मिल लिया। तो खालिद भाई बोले कुछ सामान है इसमें का जो अभी निकालना है। तो खालिद भाई किधर से शुरू करेंगे आप जी? कबूतरों के हिसाब का है ये? नहीं, ये केज रिकमेंड करूंगा कबूतरों को या मुर्गियां वगैरह पालने के लिए, बकरियां भी आ जाएंगी इसमें इंशाल्लाह। वही इसमें घर के पास 10 से 12 जानवर पालता था मैं जी, वो पाल सकते हैं। और एक बात माशाल्लाह बकरियों के मुर्गियों के लिए तो रिकमेंड करूंगा मैं खाने बना के, या कबूतरों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बिल्कुल जो पेटियां लगेंगे जालियां पीछे गैप है उसमें आ जाएगा। क्या साइज है खालिद भाई? ये 7x3.5 है, 7 फीट ऐसा है, लंबा है अंदर डीप 3.5 फीट है। तो कबूतरों को और मुर्गियों के लिए तो बेस्ट रहेगा अगर आप यानी जगह है, ऊपर शेड डाला हुआ है, बारिश वारिश नहीं आएंगी जी भाई। और बाजू पूरी जालियां हैं, डोर एक ही है, इसको एक ही डोर है, ज़रा बंद करके खोलिए आप ऊपर एक है। अच्छा चलिए, हाँ नहीं उसको पैक भी कर सकते खोल भी सकते। चलिए खालिद भाई, तो खालिद भाई अगर वज़न में बात करूँ तो कितना आ जाएगा? अच्छा वज़न का तो आइडिया नहीं है जी, लेकिन बनाए तो महंगा बनेगा। तो आप क्या रेट में देंगे इसको? 11,500 रुपये में अर्जेंट शिफ्ट करना है, फिर भी आके आप बात कर लीजिए, बढ़िया छोटे हाथी में चले आएंगा ये आराम से चल जाता। चलिए और क्या है आपको नहीं बताइए? देखिए ऐसी बड़ा केज है। अच्छा ये वेट में ज़्यादा है, ये वजन में बहुत है, 3 डोर का है। हाँ हाँ, इसमें भी बकरे मुर्गियाँ जी। ये भी अच्छा है, देखिए नॉर्मल साइज है, 4 फीट बाई 10 फीट दिख रहा है, 12 फीट दिख रहा है, 12 फीट है, 4-4 फीट के डोरा है इसमें। तो ये भी देने का है ना? हाँ दे देंगे, 3 शेड के साथ है ये भी जी। तो क्या रहेगा इसका? ये भी वही रेट में देंगे 11,500। वजन में भी बात करूँ तो अच्छा आएगा भाई, क्योंकि देखिए रॉड्स वगैरह हैवी है, कल के दिन आप इस्तेमाल करके बेचेंगे भी तो आपको पैसे कुछ आ जाएंगे अच्छे। आप ये नहीं बोले उसके अंदर भी मुर्गियाँ थे पिंजरे पे, मुर्गियाँ फ्री, या भी अंदर मुर्गियाँ फ्री रहेंगे क्या? नहीं ऐसा कुछ आ गए अगर स्पेशल ग्राहक हाँ तो उनको दे देंगे अंडे मुर्गे जो भी हो सकता है। अच्छी बात, ठीक है चलिए। ये पायलटों का इसका क्या है? ये केजों का, ये केज जो है ना 4,500 में जोड़ी देंगे तो 9,000 रुपये का पूरा रहेगा। तो सामने से खुलेगा ये? सामने से खुलेंगे, फिट कर लेने का है समझे। तो 2 डोर आ रहे हैं इसको एक में, हाँ थोड़ा रेनोवेट कर लेना पड़ेगा। खालिद भाई ये कितने में बोल रहे हैं? ये 4,500 में दे देंगे। मतलब ये पूरा या दो? पूरा पूरा, ये दोनों। इसमें कम होंगे ना? थोड़ा बहुत नहीं, कम करना पड़ेगा इसमें आप। ठीक है, दो का जॉइंट हो जाएंगी ये, दो दो के दो है आपके? नहीं एक है, ये अभी 4 है मेरे पास। अच्छा 3 बिग्गे हैं। ये इंग्लिश पायलट भी दिख रही है प्लास्टिक? है भाई है, देने की है? देने की है। चलो इसका क्या है? 700 रुपये में देंगे। अच्छा ये अच्छी है, बहुत भारी वाला है वो। अच्छा भारी वाला है। और क्या है आपके? नहीं ये फेंसिंग के जालियां हैं देखिए। अच्छा अगर कोई फार्म वार्म में रखते सवालों के लिए अच्छा रहेगा, ये बॉर्डर बना ले सकते मेंढो वेंडो का है, किसी को लेना है तो चलिए ले ले सकते, जो हिसाब रहेगा बता देंगे आप जी। और क्या है आपके? बस ये इम्पोर्टेड
ये जंगलों में देखा था मैं शेरा देखने के लिए, कुत्ता देखने के लिए लोग रैंप बना के ऊपर ठहरते, जबरदस्त बनाए भाई जो भी बनाए। हमारे जीके गोट फार्म है, जीके गोट फार्म, वो ये देने का है क्या उनको? नहीं नहीं देने का है, लेकिन उन्होंने कारोबार उनका यही है प्रोफेशनल, बना के देंगे, बना के दे देते। चलिए आपसे मिल लीजिए। तो खालिद भाई अभी आपका कीमती वक्त यहाँ नहीं रहेगा, तो कहाँ देंगे पब्लिक को आप? इंशाल्लाह हमारे कुत्ता पेट में शिफ्टिंग हो रही जी। उसके अलावा कुछ आपके मसरूबियात दूसरे भी है जो लोगों को जानवरों से? खुर कटिंग का और हेयर कटिंग का जी, वो स्टार्ट हो रहा काम। पहले अभी सीजन भी है ना, समर भी है, आपको बेहतर है अभी जानवरों को जो मोहब्बत करते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा भाई बड़े बाल है तो निकाल लीजिए उसमें, और खुर कटिंग भी कराइए। जानवर अपनी जबान से कुछ बोल नहीं सकता, आप लोग समझ के करना पड़ता है। तो खालिद भाई नंबर बताइए। घर पे आके कर दूंगा, पहले तो अपन यहाँ पर ही बुला लेते थे, अभी जो है ना इंशाल्लाह विजिट भी हो जाएंगी। 810-635-6160। एक बार बोलिए। 810-810-635-635-6160। 6160। चलिए खालिद भाई का नंबर टाइटल में भी रहेगा। अगर देखिए आपको सामान है भाई कने आपके इस्तेमाल हमें आता तो आके आप पूरे तो मैं चैनल पे नहीं बता सकता हूँ। एड्रेस हाईवे होटल रहेगा ना बल्लागुड़ा, वहाँ आके फोन कर लीजिए। बाजू गली में पिस्टा हाउस से पहले खालिद भाई का नंबर दे दूंगा। आप जैसा खुर कटिंग या बाल कटिंग के लिए करिए या दो चार केजान जो भाई बताए और मजीद है, मुनासिब नहीं है पूरा लंबा हो जाएगा वीडियो, आप लोग आइए फिर एक बार खालिद भाई बोलेंगे। काफ़ी जान काफ़ी उमर भाई के चैनल के जरिए बिक गया तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जी। चलिए जज़ाकअल्लाह, दुआओं की दरख्वास्त भाई। मैं समझता हूँ बहुत कम बार बाहर निकलता हूँ, खालिद भाई की मोहब्बत में आज बाहर निकल के वीडियो बना, नहीं तो मेरे चैनल पे ही बनता हमेशा मेरे फॉर्म पे। तो चलिए इसी तरह चैनल से बने रहे, नए नए वीडियोस आपके बीच आएंगे। अल्लाह हाफिज़।